नमस्कार, आपका स्वागत है इस वीडियो रिकॉर्डिंग में। इस वीडियो रिकॉर्डिंग में मैं एम्ब्रियो ट्रांसफर के बारे में बताऊंगा। मैं 50 साल तक पढ़ाता रहा वेटरनरी कॉलेज में, और अब 80 के दशक में एम्ब्रियो ट्रांसफर के बारे में कहा जाता था, पर इसकी जो थे हार्मोन्स वगैरह काफी कॉस्टली थे और एनिमल इतने कॉस्टली थे नहीं, तो उस वक्त तो इसकी कोई बात नहीं थी। पर एम्ब्रियो ट्रांसफर को मैं इस संदर्भ में बता रहा हूँ आपको, रिपीट ब्रीडिंग के संदर्भ में। जैसे अभी तक एम्ब्रियो ट्रांसफर को भारतवर्ष में सांड की उत्पत्ति के लिए किया जाता है, मतलब फॉरेन से एम्ब्रियो मंगा लिए जाते हैं और वो जो है उसे सांड पैदा किए जाते हैं। यहाँ पे कालसी में फार्म भी है, उसमें फार्म प्रोड्यूस वो एम्ब्रियो लाके, और डॉक्टर कमल सिंह है वो, उनका प्रोजेक्ट है डीबीटी का, उसमें वो सांड प्रोजेक्ट। परंतु अब ये हार्मोन उपलब्ध है और इसके हार्मोन और गायों की कीमत 1-1 लाख रुपए हो रही है, तो इसको मतलब गायों में भी जहाँ रिपीट ब्रीडिंग होती है या जिस जो गाय बच्चा नहीं देती है उसमें किया जाता है। मैं आपको ब्रीफ में इसके बारे में बता दूं, एम्ब्रियो ट्रांसफर के बारे में। देखिए, ये सन 80 से वैसे शुरू हुआ एम्ब्रियो ट्रांसफर का, पर जो असली बात है वो ये है कि 1617 में पहले स्पर्म देखे गए, ये काफी छोटे होते हैं, तो ये स्पर्म जो है 1617 में देखे गए। उसके बाद ये जो ओवा दिखाई दे रहा है ये काफी बड़ा होता है, ये राई के 5वें भाग के बराबर होता है। स्पर्म तो काफी छोटा होता है, तो ओवा एक ही निकलता है। जब ओवरी में से आदमी में और गाय में एक ही निकलता है, भैंस में भी कभी कभी दो निकल जाते हैं, पर ज़्यादातर एक निकलता है। बकरी में 2 निकलते हैं 3 निकलते हैं 4 भी निकल सकते हैं, कुत्ते में बहुत ज़्यादा निकलते हैं, तो इसी तरह सुअर में भी बहुत ज़्यादा निकलते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है, या वैसे इंजेक्शन उपलब्ध हैं जिनको लगाने से जो है वो एक नहीं बहुत सारे ओवा जो है अंडे निकलते हैं, और उस वक्त जो है अगर उसमें सीमेंट डाल दिया जाए तो उससे भ्रूण भी बन जाते हैं। देखिए, मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, जैसे इसमें है कि ये एक होलिस्टीन गाय है। अब ये जैसे ब्याएगी, ठीक है, अगर ये 10 साल जिंदा रही तो ये 5-6 बच्चे देगी, पर इसमें अगर FSH है, एक हार्मोन फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन वो मिलता है, तो थोड़ा कॉस्टली है, पर उसको लगाने से इसमें कितने अंडे निकल सकते हैं, मतलब 10, 20, 30, 40, 50, 100 तक निकल सकते हैं, मतलब 100 तक बच्चे लोगों ने पैदा किए इस तरह से। फिर जब वो निकल जाएंगे तो वो इस गाय में तो डेवलप हो नहीं सकते, उसको जो है फ्लश करके बाहर निकाल लिया जाता है, और फिर उसको जितने अंडे हैं जितनी गाय है उनको सेंट्रलाइज करके उनमें रख दिया जाता है। ये जब 8 दिन का हो जाता है, जैसे इसमें दिखाया गया 7 या 8 दिन, तो इसको निकाल लेते हैं। निकालने की विधि मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि ये इसके निकालने की विधि है। ये इसमें क्या होता है, ये ऊपर से फ्लूइड जा रहा है, ये बच्चेदानी है, और इसमें एक फॉली कैथेटर होता है, इससे इसको ब्लॉक कर देते हैं, और फिर वहाँ पे जितने भी वो 7-8 दिन के बच्चे होते हैं उनको निकाल लिया जाता है, और फिर उनको जो गाय 8 दिन जिन जो हीट में आ चुकी हैं उनको सिंक्रोनाइज कर लेते हैं, तो उसमें डाल दिया जाता है। मेरा यहाँ बताने का ये है कि पहले ये हार्मोन उपलब्ध नहीं थे और उनकी कॉस्ट ज़्यादा थी, अब भी कॉस्ट ज़्यादा है, पर आप एक बार हार्मोन लगाने से आप मतलब 10, 20, 30, 40, 50 कितने ही बच्चे ले सकते हैं, और उन्हें ट्रांसफर कर सकते हैं, उनको फ्रीज भी कर सकते हैं, उनको बेच भी सकते हैं। तो दूध पैदा करना और जानवर बेचना वो तो एक धंधा ही है, पर आजकल डेयरी साइंस में जो सबसे बड़ा धंधा है वो यही है। और ये कोई, मैं तो इसी चीज में ट्रेंड हूँ, मैं मतलब DBT से भी ट्रेंड हूँ, और मैं इसी को ही पढ़ाता रहा, और मैं दिल्ली के एम्ब्रियो लैब में भी रहा हूँ। मैंने 90 के दशक में इस कार को काफी किया है, परंतु इसकी कॉस्ट ज्यादा होने की वजह से और एनिमल की कॉस्ट कम होने की वजह से इसके उपयोग के बारे में मैंने नहीं सोचा, परंतु अब मैंने इसके बारे में सोचना शुरू कर दिया है। और मैं आपको एक और सूचना दे रहा हूँ, वो ये है कि इसके एम्ब्रियोज बिक रहे हैं, इसके एम्ब्रियोज जो है भारतवर्ष में बिक रहे हैं। देखिए, ये ब्रीड है, ये जो इसके इसके एम्ब्रियोज बिक रहे हैं, होलस्टीन फ्रीजन के एम्ब्रियो भी है,
और ABS इंडिया है वो 10,000 रुपए में कहते हैं, वो 10,000 रुपए में जो है बच्चा मतलब एम्ब्रियो को इसमें ला के रख देते हैं और गारंटी लेते हैं। उसमें सेना साहब है ABS में, तो उनसे आप संपर्क कर सकते हैं, तो आप उनको कभी भी संपर्क करते हैं या ABS इंडिया को आप उसमें देख लीजिए। शुभ सूचना ये है कि इनमें तो हार्मोन ज्यादा लगता है जो विलायती गाय है, पर जो हमारी देसी गाय है जैसे ये है आपके, ये है रेड सिंधी है या साहिवाल है या गिरी गाय है, तो इसमें काफी बच्चे आ जाते हैं। अब ये तो अपने ये तो मतलब उसकी बात है कि कितने बच्चे आएंगे, 10 भी आ सकते हैं, 20 भी आ सकते हैं, 40 भी आ सकते हैं। अगर आपने उसको फ्रीज कर लिया तो आप इस तकनीक से काफी पैसा बना सकते हैं। इसमें एनिमल बायोटेक्नोलॉजी वाले BSc एनिमल बायोटेक्नोलॉजी और ये लोग भी इसको कर सकते हैं, क्योंकि इधर प्रोडक्शन का मामला है, ब्रीडिंग वाले भी कर सकते हैं, लाइव स्टॉक प्रोडक्शन वाले भी कर सकते हैं, वेटरनेरियन भी कर सकते हैं। तो मैं यही बता रहा हूँ आपको कि आप 9 महीने में ही बहुत अच्छे बीज से और बहुत सारी गाय पैदा कर सकते हैं। ये जो धंधा है कि वहाँ से वो गाय लाएंगे और फिर गाय के बाद गाय लाएंगे और फिर गाय से दूध बेचेंगे, वो तो ठीक है, वो आप करिए, उसका कोई मनाही नहीं है, AI की भी प्रैक्टिस करेंगे। पर सबसे बड़ा धंधा या इन्वेस्टमेंट इस वक्त जो है वो यही है कि आपने इसमें ह्यूमन में भी देखा हुआ टेस्ट ट्यूब बेबी और ये सब जो है एम्ब्रियो ट्रांसफर उसमें भी चलता है, पर उसमें काफी पैसे लगते हैं। इसमें 50,000 में आप आसानी से लैब एस्टेब्लिश कर सकते हैं और आप एम्ब्रियो अगर फ्रीज कर ले तो आपको मार्केट खुल जाएगा। तो मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि काफी लोग इसमें पैसा इन्वेस्ट करने के लिए इस वक्त तैयार है। लॉकडाउन में काफी धंधे बंद हो गए, पर धंधे नए भी शुरू हो गए। उसमें से एक धंधा यही है कि आप एम्ब्रियो पैदा करके एम्ब्रियो को बेच सकते हैं। इसमें बायोटेक्नोलॉजी वाले भी आ सकते हैं, साइंस वाले भी आ सकते हैं, औरों को भी ट्रेन करा जा सकता है। अब लोग कहते हैं कि साहब AI की ट्रेनिंग दे दी, अब देखिए अब वो जिस तरह से ऑपरेशन अंदर हो जाते हैं उसी तरह उसके कैमरे आते हैं और कैमरे वाली AI गन आ रही है, तो लोग करने लगेंगे अपने आप। उसका काफी मेरे पास ये आता है कि साहब वो मुझे साहब AI सिखा दीजिए। तो AI का जमाना एक तरह से जा ही रहा है, क्योंकि अब कैमरे वाली AI गन आ गई है तो लोग खुद ही करना शुरू कर देंगे। जैसे आपने देखा कि एक जमाने में PCO थे तो PCO खत्म हो गए, तो इसी तरह ये AI का भी खत्म हो जाएगा। और ये जो फ्रोजन एम्ब्रियो है इनकी खास बात ये है कि बहुत सी स्टेजेस जो है रिपीट ब्रीडिंग में होती है कि सीमेन ठीक नहीं है, कि साहब सीमेन डाला नहीं है, कि वो अंडा नहीं निकला, रिसेप्टर लगाइए और फिर उसके बाद वो बन गया तो गर्मी के मारे मर गया। तो ये सारी बाधाएं जो है इसमें कंसेप्शन रेट बहुत हाई है। इसमें कंसेप्शन एम्ब्रियो रख दिया तो वो एम्ब्रियो तो बड़ा बनाया है एम्ब्रियो, उस पर हीट का भी असर नहीं होता है। तो मेरा प्लान यही है कि ये जो अपनी देसी गाय की ब्रीड है जैसे गिरी है, रेड सिंधी है, इसमें इसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आता है। और डॉक्टर कमल सिंह है वो उसमें एक्सपर्ट है, उनसे भी मैं बात कर रहा था कि विलायतियों में तो इसका रिस्पॉन्स इतना अच्छा नहीं है, पर इस विधि को करके आप जो है रिपीट ब्रीडिंग की प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे जानवर जो हैं वो खराब हो जाते हैं, सड़क पे छोड़ दिए जाते हैं, वो गवर्नमेंट भी सोचती है क्या करें, पशुपालक भी सोचता है कि क्या करें, वो उसके ऊपर बोझ बन जाते हैं। तो उन पशुओं को इस्तेमाल किया जा सकता है और 3-3 महीने 3-4 बार उनसे अंडे लिए जा सकते हैं, अंडे फ्रीज किए जा सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा ऑप्शन है, ये बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है भारत के लिए, तो विशेष रूप से जहाँ पे कि आप जो है बेकार गाय जो है वो बर्डन हो जाती है। तो मैं इसी के साथ अपनी वार्ता समाप्त करता हूँ। मैं ये बता रहा हूँ कि इसका ट्रेनिंग भी मैं शुरू कर दी है और इसके उसमें जो भी भाग लेना चाहता है
एम्ब्रो ट्रांसफर में, वो मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मेरा टेलीफोन नंबर 8979748686 है और मेरे वीडियो भी है यूट्यूब पे काफी, आप उनको देख लीजिए, तो आप उससे कभी भी संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद आपने।